हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स। सबसे पहले ये कार्बन रजिस्टर्स हैं क्या? ये कार्बन रजिस्टर्स बहुत स्मॉल, ड्यूरेबल एंड चीप रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स मीन्स डिवाइसेस दैट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब सर्किट में रेजिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? फर्स्ट, आइदर टू इंक्रीज और डिक्रीज करंट इन द सर्किट। सेकेंड, टू हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू पॉइंट्स इन द सर्किट, बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस विल एग्जिस्ट ओनली इफ देयर विल बी रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अक्रॉस दैट रेजिस्टेंस वी विल बी एबल टू अटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वेन एवर अ पोटेंशियल डिफरेंस of a fixed magnitude will be required to us in a circuit, then we can use carbon resistors. Now these carbon resistors are of this type, and these carbon resistors are made up by mixing carbon, clay and some resinous substance to bind them. Here this carbon resistor is having rings on its body, so it means the magnitude of these कार्बन रजिस्टर्स, इट मीन्स रजिस्टेंस ऑफ दीज कार्बन रजिस्टर्स विल बी रिक्वायर्ड वेन एवर इफ एनी हाउ द कार्बन रजिस्टर विल गेट डैमेज। अगर कार्बन रजिस्टर सर्किट में डैमेज हो गया तो फिर क्या करना पड़ेगा? हमें उसे रिप्लेस करना पड़ेगा बाई द रजिस्टेंस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। अब वो सेम मैग्नीट्यूड का मतलब क्या? पहले हमें उसका मैग्नीट्यूड तो पता हो। मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, और इन दोनों ही तरीकों में हम यूज करते हैं कलर कोडिंग, यानी कलर्स को यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट न्यूमेरल्स। अब कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर्स के लिए जो कलर्स हम यूज करते हैं वो बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ये याद करने का तरीका। बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। अब ये BBROYGBVGW क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे आर रिप्रेजेंटिंग द फर्स्ट अल्फाबेट इन द नेम्स ऑफ कलर्स। जैसे फर्स्ट बी इज रिप्रेजेंटिंग ब्लैक कलर, सेकंड बी इज रिप्रेजेंटिंग ब्राउन, थर्ड आर इज रिप्रेजेंटिंग रेड, ओ इज रिप्रेजेंटिंग ऑरेंज, वाई इज रिप्रेजेंटिंग येलो, जी ग्रीन, बी ब्लू, वी वायलेट, एंड दी सेकेंड जी इज रिप्रेजेंटिंग ग्रे, एंड दी डब्ल्यू इज रिप्रेजेंटिंग व्हाइट। नाउ ईच ऑफ दीज कलर्स रिप्रेजेंट अ न्यूमरल, एंड हाउ मेनी न्यूमरल्स आर रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट अ नंबर? टू रिप्रेजेंट अ नंबर और द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस we require only 10 numerals, 0 to 9. So 0 to 9 means 10 numerals, and here you can see these are the 10 different colors. Each of these colors will be representing a numeral. B, yani black, is representing 0, brown is representing 1, red is representing 2, orange 3, yellow 4, green 5, blue 6, violet 7, grey 8, and white is representing 9. Thus, all these 10 numerals are represented by the colors. Now, after this, we are having two more colors, golden and silver. Then, what will be the use of these golden and silver color? I will tell you later. First, how to get the magnitude of a carbon resistor? To get the magnitude of carbon resistors, there are two ways of color coding. In the first, which is used in general, the carbon resistor will be having three rings near one of its ends and a single ring or no ring near the other end. Yani ek end ke paas mein teen rings honge alag alag color ke, dusre end ke paas mein या तो एक रिंग होगा गोल्डन या सिल्वर, या फिर रिंग नहीं होगा। तो अब ये जो कलर्स ऑफ दीज फोर रिंग्स हैं, ये हमें क्या क्या देंगे? अब जब हम पहले रिंग की कलर की बात करें
तो ये हमें देना फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एंड द कलर ऑफ सेकेंड विन सेकेंड सिग्निफिकेंट डिजिट in the magnitude of resistance and the color of third ring will give us power of 10 to be multiplied with these two significant digits. Now what will be given by the color of this fourth ring? This fourth ring will either be golden or silver or no ring, and this color of fourth ring will give us percentage tolerance of the resistance. अब ये percentage tolerance क्या? Accuracy in the magnitude of resistance. Say, if I am saying that the color of first ring is green, while that of second is brown, I am taking an example. The color of third ring is say gray. And here the ring is silver, then this will give us the magnitude of resistance as green. Green represents 5. 5 means the first significant digit in the magnitude of resistance will be 5. Second color is brown. Brown means 1. So second significant digit in the magnitude of resistance will be 1. Up color of third ring. Third ring is gray. तो ग्रे के लिए हमारे पास न्यूमरल है 8. अगर ग्रे के लिए न्यूमरल है 8 इनटू 10 टू द पावर 8 ओम इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस एंड सिल्वर इज द कलर ऑफ फोर्थ रिंग दैट रिप्रेजेंट्स दैट इट्स परसेंटेज टॉलरेंस और परसेंटेज एक्यूरेसी इज प्लस माइनस 10%. अगर ये रिंग गोल्डन कलर का रहा होता तो प्लस माइनस 5%, और अगर ये रिंग नहीं होता यहां पे तो प्लस माइनस 20%. तो नो कलर के लिए परसेंटेज टॉलरेंस विल बी 20%. नाउ वन मोर थिंग इज देयर दैट दिस थर्ड रिंग मे हैव गोल्डन और सिल्वर कलर. अगर इस थर्ड रिंग का कलर गोल्डन है तो दैट विल रिप्रेजेंट 10 टू द पावर माइनस 1, और अगर इस थर्ड रिंग का कलर सिल्वर है तो दैट विल रिप्रेजेंट 10 की पावर माइनस 2. तो इट मीन्स in order to represent the magnitude of resistance in fraction, तो fraction में resistance का magnitude represent करने के लिए हम golden और silver color को use कर लेते हैं. ये 0.1 और ये 0.01 represent करेगा. अब हमारे पास एक और तरीका भी है, यानी एक और method है coding of carbon resistors के लिए. इसमें क्या है, हम इसके ends को एक color देते हैं, body को दूसरा color, और इसके ऊपर एक थर्ड कलर की डॉट लगा देते हैं, साथ में एक एंड में एक रिंग और नो रिंग. ये जो रिंग और नो रिंग है ये परसेंटेज टॉलरेंस को रिप्रेजेंट करेगा. अब बात आएगी कि यहां क्या होगा, जो बॉडी कलर है दैट विल गिव फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट व्हाइल द एंड कलर विल गिव सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस व्हाइल डॉट्स कलर विल गिव powers of 10 to be multiplied. Now this ring, because there is only one ring at the other end, and this ring will give percentage tolerance. So percentage tolerance will be given by the color of this ring, just like in the first way of coding the carbon resistors. Now agar hum baat kare कि इसमें कैसे होगा, मान लो इस बॉडी कलर को हम ग्रे ले लेते हैं, इस एंड कलर को हम ब्राउन ले लेते हैं, या चलो रेड ले लेते हैं, और डॉट का कलर ले लेते हैं येलो, और इस पे नो कलर यानी नो रिंग ऐसा मान लें. तो इन दिस केस फर्स्ट बॉडी कलर विल गिव फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड बॉडी कलर यू हैव टेकन एज से ग्रे. अब अगर ये ग्रे लिया है तो ग्रे रिप्रेजेंट्स न्यूमेरल 8, सो फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस विल बी 8.
अब दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट हमें मिलेगा इस रेड कलर से। अब रेड कलर रिप्रेजेंट करता है न्यूमरल टू को, तो 82 इनटू ये थर्ड कलर यानी डॉट का कलर क्या है, येलो, और येलो के लिए न्यूमरल है 4, तो इनटू 10 टू द पावर 4 ओम, ये तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। तो इट मींस बॉडी कलर ने दिया फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, एंड कलर ने दिया सेकंड सिग्निफिकेंट डिजिट, डॉट के कलर ने दिया हमें पावर्स ऑफ 10, और इसने हमें मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस। अब इस मैग्नीट्यूड ऑफ रेजिस्टेंस को हमें साथ में शो करना है विद परसेंटेज टॉलरेंस। अगर यहाँ कोई रिंग नहीं है तो परसेंटेज टॉलरेंस हो जाएगी 20%, और अगर ये रिंग गोल्डन होता तो 5%, सिल्वर होता तो 10%। यहाँ भी ये डॉट का कलर अगर मैं गोल्डन लगा देता तो पावर्स ऑफ 10 10 टू द पावर -1 हो जाती, सिल्वर लगा देता तो पावर्स ऑफ 10 10 टू द पावर -2 हो जाती। यानी अगर फ्रैक्शन में रेजिस्टेंस रहा होता तो फिर हम डॉट कलर के लिए 10 की पावर -1 या 10 की पावर -2 यूज करते। इट वॉज ऑल अबाउट द कलर कोडिंग ऑफ